Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, Barabanki, Uttar Pradesh. देखिए, sexual disorders का होना, especially male में जो issues होते हैं, और sexual disorders में दो issue बहुत ज़्यादा common हैं और इससे ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं. दो issues sexual disorders के, male sexual disorders के दो मेन इश्यूज हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कंसल्ट करते हैं, विज़िट करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं. इन दोनों में से एक तो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए हमने बहुत मरतबा बहुत कुछ आप लोगों को बताया हुआ है. हमारी यूट्यूब पर तकरीबन 2500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपने देखी होंगी. मुख्तलिफ टॉपिक पर मुख्तलिफ मेडिसिंस के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है. आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का, वो है कुछ दवाओं के बारे में बताना, ऐसे लोगों के बारे में जिनके जहन में ये सवाल होता है कि जो इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का, वो तो उसमें तो एक लंबा टाइम दरकार होता है. जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी ये चीज़ें ना तो आती हैं और ना ही इतनी जल्दी ये चीज़ें ठीक हुआ करती हैं. तो अभी फ़िलहाल हमारी जो कैफियत है वो ऐसी नहीं है कि हम इसका परमानेंट क्योर जो है वो हम आज की डेट से स्टार्ट कर सकें, लेकिन हमें कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाएं कि जिनको इस्तेमाल करके टेम्परेरी बेसिस पे हमारा काम आज की डेट में तो चल ही जाए, लेकिन इन मेडिसिन का ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो बल्कि हमारी जो असल प्रॉब्लम है, असल जो इशू है, जो कॉजेज़ हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाए और जब हम क्योरेबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आसानी से ये डिजीज़ जो हैं हमारी वो क्योर हो जाएं. मतलब क्या हुआ इसका कि जो इशू आपको है टेम्परेरी बेसिस में, आपको उसमें आराम भी चाहिए और कहीं ना कहीं धीरे 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 जो असल कॉजेज़ हैं इस बीमारी के, उसमें भी आपको रिकवरी होती रहे और उसमें भी आपको आराम हो रहे होता रहे, ताकि ये बीमारियाँ जो हैं आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएं और क्योर हो जाएं, आपको पता भी ना चले. डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, बार बार ये सवाल पूछते हैं. जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वो भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी फ़िलहाल कुछ हमें बता दीजिए कि जिससे हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो हमारी अच्छी हो सके और ये धीरे धीरे बीमारी हमारी दूर हो सके. तो इन्हीं लोगों के आंसर में आज के इस वीडियो में हम आपको अपने कुछ ख़ास नुस्खों के बारे में बताएंगे. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है इसका, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और कुछ ख़ास मेडिसिन, कुछ स्पेसिफ़िक नुस्खों के साथ हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं इन शदीद बीमारियों को, जो इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं जो आसानी से क्योर भी नहीं होती, जो आसानी से रिलीफ भी जिनमें नहीं मिलता है, उन बीमारियों को कितनी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आगे अभी आपको बताने वाले हैं. तो देखिए, हमने आपको इससे पहले कई मर्तबा बताया हुआ है बहुत सारी वीडियोज़ में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन दो ऐसे सबब हैं कि जिनका आजकल बहुत ज़्यादा वकूह है, यानी कि आजकल इनका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है. और अभी हमने रिसेंटली कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिन लोगों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिसकी वजह से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमने आजकल देखी हैं इस तरह के पेशेंट में. पहले नंबर पे हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना. दूसरे नंबर पर उनके आसाबी कमज़ोरी, जो स्पेशली जो पेनाइल मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इस तरह के इश्यूज़ उनके अंदर डेवलप होते हैं. तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी ये है कि वहाँ पर कभी भी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ पर कभी भी ऐसा इलाज नहीं दिया जाता है कि जिससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पे फ़ायदा मिले, बल्कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, पूरा एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है, ताकि ये बीमारियाँ जो होती हैं आपकी वो जड़ से ख़त्म हो जाएं, जड़ से ये डिजीज़ आपकी क्योर हो जाएं और आपको परमानेंटली बेनिफिट मिले, है ना, हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएँ. यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस बात पर ज़ोर होता है.
हमारे यहाँ जो उसूल इलाज मुरतब होता है ऐसे पेशेंट के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए, सबसे पहली लाइन जो उसमें होती है वो होती है असल सबब का इजाला। मतलब है इसका कि जो रूट कोज है उसको ट्रीट करना, ये सबसे पहला हमारे यहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उसूल इलाज में से सबसे पहला उसूल यही होता है कि असल सबब का इजाला हम लोग करते हैं। तो अब ऐसी मेडिसिन का हम इसमें इंतखाब करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो मेडिसिन हम आपको अभी रिकमेंड करेंगे वो क्यों हम करेंगे और किस कॉन्सेप्ट पे हम कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की है। होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है कि ऐसी मेडिसिन का इंतखाब हम करेंगे कि जिससे आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है हो रहे हैं, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्मोनल इशूज़ हैं, उनको रिकवर किया जा सके और ऐसी मेडिसिन आपको दी जाएँ कि जिससे आपके पट्ठे जो आसाब हैं, स्पेशली जो पेनाइल मसल्स हैं, पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको ताकत और स्टेमिना पहुंचाया जाए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हम करने वाले हैं। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी हमने देखी है कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके जो सीमेन की क्वालिटी होती है, उनकी जो मनी होती है वो बहुत पतली हो जाती है, रिक्कत मनी में मुब्तला हो जाते हैं वो लोग। मतलब रिक्कत मनी का ये है कि उनका जो सीमेन होता है वो वाटरी हो जाता है, हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोस्पर्मिया में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसी मेडिसिन का भी इंतखाब किया जाए कि आपका जो सीमेन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाए और उसमें जो है गिलजत पैदा हो जाए, गाढ़ापन आ जाए, है ना। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा जो नुस्खा है स्पर्मोजेनिक, स्पर्मोजेनिक पाउडर की फॉर्म में है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। स्पर्मोजेनिक को कैसे इस्तेमाल करना है डिफरेंट वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है, उन चीज़ों को नहीं हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी आपकी आपको ये सारी चीज़ें हम बता पाएँ। तो स्पर्मोजेनिक इस्तेमाल करना है सभी तरह के पेशेंट को, है ना। इसके अलावा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 नंबर का जो नुस्खा है हमारा उसको इस्तेमाल करना है आपको, साथ में लोकल अप्लीकेशन करना है। हमारा जो नुस्खा है जो ऑयल की फॉर्म में है, तिला है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, आपको उसका इस्तेमाल करना है। सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से विंटॉक्स कैप्सूल, मल्टी विटामिन, मल्टी जो है एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, बहुत अच्छा जो है आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है विंटॉक्स कैप्सूल, आप इनका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में रात को सोते टाइम हमारी जो टैबलेट की फॉर्म में गोलियां हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 113, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। और टेम्परेरी बेसिस के लिए जैसे कि हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, वो है हमारे कैप्सूल की फॉर्म में नुस्खा ख़ास, नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको वाइफ से मिलना है, जिस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है उस दिन आप उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरीके से इन दवाओं का आप इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़े दिनों तक ही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह, और साथ में हार्मोनल इंबैलेंस को रिकवर करने के लिए पाउडर के फॉर्म में हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 156 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इन सब मेडिसिन के सेपरेट वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा कि इनकी डोजेज़ क्या हैं, या फिर जो डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है इसी नंबर पे आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इन मेडिसिन की डोजेज़ जो होती हैं इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ा है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, वो यहीं से आप पता कर सकते हैं। और अगर वीडियोस देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप लोगों को इसके बारे में और भी पता चल जाएगा कि इस पर मुझे नहीं क्या है, 129 108 क्या है, 104 क्या है, 156 क्या है, 113 क्या है, और इसी तरीके से विंटॉक्स कैप्सूल हम आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखिए तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर वक्ती तौर पे आप इस तरह से ये इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक महीने के अंदर ही आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो वीकनेसेस हैं आपके अंदर वो रिजॉल्व होने लगेंगी और आप लोगों को फ़ायदा भी होने लगेगा। टेम्परेरी बेसिस पे नुस्खा ख़ास से आपको फ़ायदा होगा, फिर धीरे 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 3-4 महीने तक अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बीमारियाँ हैं वो जड़ से ख़त्म होने लगेंगी और वो जड़ से क्योर होने लगेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।